मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो ये प्रश्न लिए गए हैं सारे जो 6 से 7 प्रश्न ही हो पाएंगे आधे घंटे में, क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम होती है वरना हम तो बहुत सारे प्रश्न करा देते। जो आज के प्रश्न लिए गए हैं साथियों वो आपके यूपी टेट और सी टेट, यूपी टेट और सी टेट में 2018 और 2017 के यह प्रश्न है जो आज हम 5-6 प्रश्न करवाएंगे आपको, 5 से 6 से 7 प्रश्न करवाएंगे ये आपके लिए। और एक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे लास्ट में, जो बच्चा लास्ट तक बना रहेगा उसके लिए एक चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट बताएंगे, है ना, रेक्टेंगल का। दोस्तों आपकी संख्या जैसे ही बढ़ेगी और सारे क्लासेस हम लगा देंगे, और बाकी जो 4 क्लासेस चल रहे हैं आपके वो फॉलो करिए। जैसे कि अगर बात करें आपका मैथ चल रहा है 11 बजे से डेली, 11 बजे सुबह होता है और शाम को 9 बजे हिंदी आता है, हिंदी की क्लास चलता है। और आपका जो CDP की क्लास है और EVS की क्लास है वो मैम लेती हैं 3 बजे से, वो देखिए। और करंट अफेयर GK का सेशन आता है 6 बजे सुबह, उसको फॉलो करिए। दिन में या 5 क्लास फॉलो करिए आप लोग, और आपकी संख्या जैसे ही हमको लगेगा कि बढ़ गया है या बढ़ रहा है आप लोग की हेल्प से, क्योंकि जब आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आएंगी तो आप लोग शेयर करेंगे और बच्चे की संख्या बढ़ेगी, बच्चों की, तो सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें बिल्कुल विधिवत ट्रिक के साथ बताई जाएंगी, तो आप लोग बिल्कुल भी बने रहिए और डटे रहिए दोस्तों, है ना। देखिए पहले प्रश्न को सॉल्व करिए, तो आपके यूपी टेट यह पूछा गया है दोस्तों 11/18/2018 का प्रश्न है, कोई भी बहकाने वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे, है ना। या आप लोग प्रश्न पत्र उठा के देख सकते हैं, ठीक है, ये 2018 का प्रश्न है, इसको सॉल्व करिए। देखिए बेहतरीन प्रश्न है, हमने कल ही बताया था ऐसा प्रश्न दोस्तों ट्रिपलेट पे आधारित होता है, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है ना, जो 90 डिग्री एंगल बनता है उससे ट्रिपलेट बनते हैं, यानी कि लंब और आधार और कर्ण, उसी पर यह बेस है पूरा का पूरा, ठीक है। और बिल्कुल ट्रिक्स सिखा लीजिए आपको बताएंगे, और नहीं तो अन्यथा आपको समचतुर्भुज का कल फार्मूला भी बताया गया था ना। अगर एरिया निकालना हो तो D1 × D2/2 कर देते हैं, परिमाप तो जाहिर सी बात है किसी भी कोई भी आकृति हो उसके चारों तरफ का एडिशन होता है, इसका 4a हो जाएगा। एक और फार्मूला आपको बताया गया था, अगर भुजा निकालना हो तो 4a² = D1² + D2² ये D1 और D2 क्या है आपके दोस्तों, डायगोनल हैं, किसके, समचतुर्भुज के, हमने कल बताया था सेशन, आप लोग डेली फॉलो करिए। यही विनम्र थोड़ा सा निवेदन है आप लोगों से, भाई आप लोग डेली नहीं रहते हैं सेशन, बहुत कभी बच्चे आते हैं, फिर एक आध दो बच्चे होते हैं, बाकी सब बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समय आ जाएगा। चलिए यह देख लीजिए आप लोग, यह प्रश्न था। अब इसमें आपको क्या करना है, डायगोनल दिया है तो सबसे बड़ी फंडा यह है कि आप D रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे D1 D2 रखेंगे, फिर उसके बाद A निकालेंगे फिर यहाँ पे रखेंगे, इस तरह के थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको सिंपल सा ट्रिक बताते हैं, कल भी बताया था, ये ट्रिक नहीं है दोस्तों, मैथ में कोई ट्रिक नहीं होता है, सब चीज़ें कॉन्सेप्ट होती हैं, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनते हैं। अब देखिए हमने बताया था D1 मतलब पहला इसका डायगोनल और D2 दूसरा डायगोनल और इसका भुजा 2a, यह संबंध होता है, आपको याद कर लेना है सिंपल सा। अब आपको पूछा गया है समचतुर्भुज की भुजा बताइए, किसी एक भुजा को बताना है, यहाँ पे 2a है तो आप इसी को फाइंड करके आ जाएंगे, 2a बराबर जितना आएगा वही रखेंगे ना, तो गलत हो जाएगा, लेकिन 2a का भी आधा करना है तब तो भुजा निकलेगा, भुजा हमने a माना है, लेकिन यह रेशियो होता है भुजा D1 और D2 में डायगोनल में, ठीक है ना। अब इसका डायगोनल दिया है दोस्तों, एक 16 दिया है और दूसरा 12 दिया है, और यहाँ पे 2a चल रहा है पैरेलल, क्योंकि 2a तो पता करना है हमको, यही पता हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा काम। अब देखिए अगर इसको काट देते हैं 4 × 16 और 4 × 3 = 12, कितने से काटा हमने, 4 से काटा, 4 × 16 4 × 3 = 12, 4 से हमने काटा, तो जाहिर सी बात है इसको भी 4 से भाग देना पड़ेगा, तो जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो 2a/4 आएगा। अब हमने आपको बताया था कि 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट होते हैं, क्या होता है दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम में, अगर हम यहाँ पे बना देते हैं ये आपकी आकृति समचतुर्भुज इस कदर बनता है, इसमें डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कैंसिल करते हैं, तो ये अगर एक ही भुजा की बात करें, एक ही त्रिभुज की बात करें इसमें, तो ये पूरा अगर D1 है तो ये D1/2 होगा, यही तो होगा,
और ये वाला अगर डी टू है तो डी टू बाई टू होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे कैंसिल कर रहे हैं, और इसके सामने भुजा है आपका ए, सारे भुजा ए हैं, ठीक है ना। बस यही डी वन डी टू और ए में संबंध है, आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए डी वन बाई टू, डी टू बाई टू और ए है, तो डी वन डी टू टू ए, समझ गए। अब यहाँ से आपने ए निकाल लेना है। अब यहाँ पे चार तीन और इसकी वैल्यू पाँच हो जाएगी। अब आपको पता हो गया कि टू ए अपान में फोर इक्वल टू फाइव है, तो टू ए बराबर ट्वेंटी, तो ए बराबर कितना होगा दस। ए बराबर दस आया है दोस्तों, यही तो पूछ रहा है आपसे, चम चतुर्भुज की भुजा बताइए, तो दस आप लगा देंगे। लेकिन आपको यह भी पूछा जा सकता है कि सम चतुर्भुज का आप परिमाप बताइए, तो इसी कदर निकालेंगे और चार से मल्टीप्लाई कर देंगे, दस चौके चालीस हो जाएगा। आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है दोस्तों इसमें, बस प्रश्न आप देखते रहिए और किस कदर प्रश्न बनते हैं ये भी देखते रहेंगे, तो सारी चीज़ें आसानी से आप हैंडल कर लेंगे, है ना। चलिए ये चीज़ें हमने कल डिस्कस किया था, और देखिए आज ही हमने जब प्रश्न पत्र खोला आपका, तो हमको पहला और दूसरा जो प्रश्न मिला हमारे ही पढ़ाए गए से टॉपिक से मिला, तो अच्छी बात है, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से टॉपिक पढ़ी हुई है। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो पिछला क्लास सारा देख लें भैया, ठीक है ना। क्लास नंबर दो मत सॉरी क्वेश्चन नंबर दो भैया, यह भी आपका कब पूछा गया दोस्तों, 18/11/2018 का है, ठीक है ना। अभी मेंसुरेशन से सिर्फ लिया गया है ये क्वेश्चन, मेंसुरेशन से ही सिर्फ कराए जा रहे हैं, बाकी प्रश्न पत्र जो हमने बाकी आपका चैप्टर फिनिश किया है उसका भी नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना। बस मेंसुरेशन से आपको यह लगे कि हाँ ऐसे प्रश्न आते हैं। यदि किसी, लिखिएगा प्रश्न, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि एक मिनट वृद्धि होती है या लिख लीजिए वृद्धि होती है उसके लंबाई और चौड़ाई में, तो बताना है आपको जो उसका क्षेत्रफल है ना वो कितना गुना बढ़ जाएगा पहले की अपेक्षा। क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा कितना गुना बढ़ेगा, यही बताना है आपको, कितना गुना बढ़ेगा। ऑप्शन ले लेंगे दोस्तों, ऑप्शन सिंपल है, बहुत ही हार्ड बहुत सारे प्रश्नों में दिया रहता है, बच्चे ऑप्शन देख के ही डर जाते हैं, लेकिन ऑप्शन बहुत सिंपल दिया है, इसका मतलब न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, ठीक है दोस्तों। चलिए 4/5 और डी ऑप्शन में दिया है आपको 1/5, तो सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपको एक आयताकार भूखंड दिया है, तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होगा। अब आयताकार का अगर एरिया पूछा होता तो सिंपल से आप क्या कर देते, एल इंटू बी कर देते, हो जाता। लेकिन इसमें पूछा गया है, ये तो पहले एरिया था आपका, अब इस बार जो एरिया आएगा वो आएगा लंबाई में कितने की बढ़ोतरी होगी, 50% की, 50% बढ़ेगा, यानी कि 100 पहले था, अब कितना हो गया 150/100, परसेंटेज हटाने के लिए 100 नीचे लगाना पड़ता है, गुड़े बी। अब जो आपका चौड़ाई है वो 20% की वृद्धि हो जा रही है उसमें, यानी कि पहले 100 रहा होगा, अब कितना हो गया 120 हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 120/100 इक्वल टू ए, काट दीजिए 0 0 से, जो बचे हैं महाशय उनको बस निकालना। देखिए एल और बी को तो साइड में पहले कर लीजिए, एल इंटू बी साइड में हो गए, इंटू ये देखिए 3 5 से काट लीजिए, 5 3 15 5 2 10 यहाँ पे 20 बचा, और 2 1 और 2 6 12 2 3 6 2 5 10 यानी कि 3 3 9/5 = a2 आ गया दूसरी बार, जब आपका यह बढ़ोतरी हुआ, पहले a1 था l इंटू बी, बाद में जो a2 आया हमारा बढ़ोतरी के बाद 9/5 आ गया। अब देख रहे हैं दोस्तों यह वाला तो बराबर है दोनों में, बिल्कुल इक्वल है यह सेशन, मतलब सॉरी
ये चीजें बराबर है, एल बी बढ़ा क्या है, एन अपान फाइव गुना हुआ है, मतलब पहली की अपेक्षा एन अपान फाइव गुना हो गया है, तो यही हमारा राइट आंसर है। 9/5 यानी कि 9/5 का मतलब हो गया 1 1 सही 4/5, ऑप्शन में दिया 1 सही 4/5, यही सही है आपका ए, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और ज़्यादा ट्रिकबाजी नहीं चलनी है, ठीक है ना। ट्रिकबाजी अगर खेलेंगे थोड़ा सा तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मेंसुरेशन है बेटा ना, तो ये कॉन्सेप्ट भी आता है तो मेंसुरेशन में फार्मूला से ही आता है, और ट्रिक जो बनते हैं वो भी फार्मूला से ही बनते हैं। अगर कोई यह कहता है कि हम डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहे हैं तो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बस ये समझिए। कॉन्सेप्ट बताकर अगर कोई चीज़ ट्रिक बताई जा रही है तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग जानते हैं, आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट फिर उसके बाद ट्रिक पढ़िए, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न, मतलब कि थर्ड आज का तीसरा प्रश्न, ये भी यूपी टेट का है दोस्तों। देखिएगा 80 मीटर व्यास, बेहद ही अच्छा प्रश्न है, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर, देखिए भाई आप लोग लास्ट तक बने रहिए, आज आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं हम लोग। किसका भैया, आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे चित्र आयत का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रास्ता वाला, उसको बेहतरीन तरीके से देखेंगे। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, तो खेल के मैदान का आपको क्षेत्रफल बताना है। ऑप्शन ले लेंगे, ऑप्शन बता दें आपको, ऑप्शन ले लीजिए, ए 3200 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी ले लेंगे 1600 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी ले लेंगे 6400 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी ले लेंगे 1800 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, थोड़ा सा बझुआ होता है, लेकिन आराम से बझना नहीं है और हमको लगाते चलना है। चलिए देखिएगा, अब 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का, तो उसमें वृत्ताकार पार्क है, पहले तो यह बता दीजिए, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क, हाँ ये देखिए आपका वृत्ताकार है, पहले कोई पार्क है दोस्तों, ठीक है। इसका मान लेते हैं जो डायमीटर, मान लेते हैं क्या डायमीटर तो दिया है हमको 80 मीटर, तो डायमीटर हमारा 80 मीटर हो गया जो हमको यहाँ पे दिया है पहले से। अब आपको यहाँ पे यह देखना है, इस खेल का जो मैदान है अंदर, उसके बनाया जा रहा है आपका एक वर्गाकार आकृति, तो वर्गाकार आकृति जो है दोस्तों यहाँ पे कुछ इस कदर बनेगा, ठीक है। देखिए जो चारों तरफ से जो उसका शीर्ष होगा हमारे सर्कमफ्रेंस को टच करेगा, अब इस सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है दोस्तों, तो किसी भी दो शीर्ष को अगर मिलाएंगे तो इस वर्ग का तो कर्ण होगा, मतलब कि डायगोनल होगा, विकर्ण जिसे बोलते हैं, इस वर्ग का तो विकर्ण होगा, लेकिन इस वृत्त का वही व्यास होगा, समझ रहे हैं, इस वृत्त का व्यास क्या होगा, जो उसके सेंटर पॉइंट से जाए वही तो उसका डायमीटर है, और उसी की वैल्यू आपको दिया है 80 मीटर। अब हमको पता है अगर हम इतना देखें, केवल ए बी सी और डी में देखें सिर्फ जो आपका वर्ग दिया है, तो जो भी विकर्ण होता है किसी भी वर्ग का, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब किसका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √2a = 80। ए मान लेते हैं इसका साइड है, ठीक है, तो √2a = 80, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/√2। आपको क्या निकालना है दोस्तों, इस वर्गाकार खेल के मैदान का एरिया बताना है, तो a × a यानी कि 80/√2 × 80/√2। अब √2 √2 दो बन जाएगा, तो 8 8 6400 6400/2 को काट देंगे तो 3200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आप लोग का यह आंसर।
अगर हम एग्जाम में बैठते तो कैसे लगाता हम, कैसे इसको लगाते हैं हम दोस्तों। सिर्फ यहाँ पे हम 80 मीटर देखते हैं, यह व्यास दिया है और हमारे दिमाग में तुरंत यह फिगर बन जाता, हमारे दिमाग में यह फिगर जो यहाँ पे बना है ना, इसको हम तुरंत अपने दिमाग में बनाते, इमेजिन करते और हमारे दिमाग में तुरंत खटकता कि जो 80 मीटर है, जो व्यास है, यही तो होगा विकर्ण उस वर्ग का। और विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट टू ए, तो रूट टू ए बराबर 80, इसको भी नहीं लिखता रूट टू ए बराबर 80, हम सीधे लिखते ए इक्वल टू 80 बटे रूट टू, यह लिखते एक ही बार में तुरंत इस पे आ जाते हैं हम। यह लिखने के बाद यहाँ पे 2 हो जाता और तुरंत हमारे दिमाग में खटकता 8 अटे 64 है, 64 को अगर 2 से भाग लगाएंगे तो 32 बचेगा, यानी 3200 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। नोट कर लीजिए, देखिए इस पूरे व्यू पर जो यह आपका दिया है प्रश्न दोस्तों, इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पे 80 की जगह कुछ और दे सकता है, प्रश्न जो होते हैं रिपीट होते रहते हैं, हमेशा रिपीट होता है, बस डाटा चेंज होता है। तो आप लोग थोड़ा सा देख लें और सजग हो जाएं कि ऐसे न्यूमेरिकल लगाना है हमें। चलिए चौथा प्रश्न की तरफ चलते हैं, बेहद ही आसान प्रश्न है दोस्तों इस बार का। यह भी 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी, अभी आपको 3D पढ़ाएंगे बेटा, घबराइएगा मत, अभी तो 2D खत्म हो गया आपका, 2D जितना था पोर्शन सारा खत्म हुआ है, अब 2D शुरू, 3D शुरू करेंगे। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जाएंगे। तो यह तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं करना है, पहले ऑप्शन ले लीजिए, 25 होगा, ऑप्शन बी 125 होगा, ऑप्शन सी 250 होगा, ऑप्शन डी 500 होगा, ये आपके ऑप्शन है दोस्तों, आपको ये बताने हैं। वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। किसी भी घन का जो वॉल्यूम होता है, हमको पता है किसी भी घन का वॉल्यूम, मतलब कोई रूम है या घनाकार रूम है, घनाभ जिसे बोलते हैं, क्यूब जिसे बोलते हैं, मतलब कि जिसके चारों, मतलब कि जो ऊपर और नीचे 6 भुजा हो गए ना, आमने सामने अगल बगल दाएं बाएं और ऊपर नीचे 6 भुजा हो गए, उसमें आपका जो शीर्ष होता है कितने होते हैं, तो 2 2 4 और 2 2 2 इधर हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया और इधर 2 8 हो गया, इस तरह होते हैं 8। हम बताएंगे जब थोड़ा सा 3D पढ़ेंगे तो, लेकिन ये प्रश्न आया था सिंपल था तो हमने ले लिया। अब वॉल्यूम आपको दिया, मतलब ये दिया है भुजा वाले का, जो बड़ा वाला है घन हमारा वो 15 सेंटीमीटर का है और जिसको जिस नाप का हमको काटना है वो 3 सेंटीमीटर का है, तो बड़े वाले का हम सीधे वॉल्यूम निकालते हैं, 15 × 15 × 15। किसी भी घन का जो वॉल्यूम होता है उसमें सारी भुजा तो बराबर होती है घन का, घन क्योंकि हमारा वर्ग से बना होता है, वर्ग को ऐसे उठा देते हैं 3D फॉर्म में तो बन गया हमारा घन, अगर हम आयत को उठा देंगे तो बन जाएगा घनाभ, ठीक है, यही तो बताना है। अब हमको वॉल्यूम, क्योंकि जब 3D पोर्शन आ जाता है दोस्तों तो उसमें वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है, 2D में वॉल्यूम नहीं निकलता है, यही अंतर होता है 2D और 3D में, वॉल्यूम निकलता है 3D में, 2D में नहीं निकलता है, और 2D को हम लोग बना सकते हैं फिगर उसका, लेकिन 3D का फिगर नहीं बन सकता, फिगर तो बन सकता है, मतलब उसको हम लोग रिप्रेजेंट बस फिगर से कर सकते हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि 3D चीज़ें जो होती हैं वो हम इस तरह से हाथ में ले सकते हैं, यह 3D होते हैं, ठीक है ना, उसको पेज पे नहीं ड्रा किया जा सकता, लेकिन अगर बनाना है, दिखाना है, कलाकारी है तो बन सकता है, कलाकारी बस हो सकती है। अब इसमें 3 × 3 × 3 से हमको डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि इसी नाप का घन काटना है, अगर वर्ग काटना होता तो 3 × 3 उसके लिए दूसरा फार्मूला हो जाता, उसको बताते हैं। और ये अगर 3 से ही केवल काटना है हमको, 3 सेंटीमीटर का घन काटना है 3 सेंटीमीटर का, तो हमने डिवाइड कर देना है बस, 3 × 5 = 15 × 3 = 15 × 5 = 5 × 5 = 25 × 25 = 125। टाइम नहीं वेस्ट करना है दोस्तों, क्योंकि आपका यह सलूशन है और एग्जाम में आप बैठे हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में, तो यहाँ पे 125 लिख कर अपना 2 सेकेंड ना गंवाएँ, सीधे हम टिक करेंगे किस पे, आंसर पर, ठीक है ना। चलिए इतना तो गुणा तो हो ही सकता है, 5 × 25 = 125, मन में तो कैलकुलेशन हो ही सकता है।
अब देखिए इस प्रकार के कितने प्रश्न बन सकते हैं, सिर्फ डाटा चेंज करेगा, 15 की जगह 20 दे देगा और आपका यहाँ पे 4 दे देगा। हो सकता है 15, 20, 30 घनाभ आकृति दे दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब बोल रहा है कि उसमें कितने प्रकार के मतलब कितने घन बन सकते हैं। देख घनाभ आकृति दिया है इस तरह से 30, 40, मान लीजिए 50, इस तरह से सेंटीमीटर में आपको घनाभ की कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया, घनाभ घन नहीं है इस बार। अब इस बार पूछ रहा है कि 3 सेंटीमीटर का कितने घन बन जाएंगे, तो आप इसका पहले गुणा करना है, क्योंकि घनाभ हो चाहे घन हो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो होता ही है तीनों में, है ना, दोनों में होगा, तीनों चीज़ें होंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घन में भी होगा घनाभ में भी होगा, बस यही अंतर होता है, घन में समान होते हैं सब, जैसे 15 है तो 15-15 सब में हो जाएगा, तो घनाभ में सब अलग अलग होगा, हो सकता है कोई दो बराबर भी हो सकता है ना, तो सारी घटनाएँ हो सकती हैं, प्रश्न के माध्यम से उसको हम लोग दूर कर लेंगे सारी संख्याएं, ठीक है ना। अब देखिए 30, 40, 50, तो 3 सेंटीमीटर का घन काटना है तो बस डिवाइड करिए जो आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे ऐसा डाटा लिया गया है जो नहीं कट रहा है, लेकिन ऐसा डाटा आपको दिया जाएगा जो कट जाएगा पूरा का पूरा, तो वही आपका निकल के आ जाएगा कितना घन बनेगा 3 मेजरमेंट के द्वारा, 3 मीटर का अगर मेजरमेंट होगा तो, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं दोस्तों, ये जो प्रश्न है दोस्तों आपका 2017 में पूछा गया था, यूपी टेट के 2017 में, एक और प्रश्न लेते हैं। चलिए आइए भाई साहब, चलिए सभी लोग लिखेंगे, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना दिया हो, 660 मीटर स्क्वायर। इसी के बाद एक कॉन्सेप्ट आपको देंगे हम आयत का, आप लोग बने रहिए लास्ट तक। किसी कमरे की चारों दीवारों की जो लंबाई जो आयत जो क्षेत्रफल है दोस्तों 660 मीटर स्क्वायर है, तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, क्या है दोस्तों, चौड़ाई की दोगुनी है यह दिया गया है प्रश्न में, दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसके छत का ऊपर वाले पोर्शन का छाजन जो कहते हैं हम लोग ना, जहाँ पे स्लैप वगैरह डालता है जिस पे तो छाजन होता है ना, तो उसके छत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ऑप्शन ले लीजिए 200 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी ले लेंगे, सारी चीज़ें मीटर में तो मीटर स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है दोस्तों, 150 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे, 100 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे, 75 ले लीजिए, 75 मीटर स्क्वायर। बताइए फटाफट बताएंगे सारे बच्चे, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखिए। अगर कोई कमरा है दोस्तों, ये घन है कि घनाभ है हमको नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं घनाभ ही होगा, ठीक है, घन नहीं हो सकता, क्योंकि ये लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है, यहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे, लंबाई जो दिया है ना वह लंबाई जो है चौड़ाई का दोगुनी है, यह चीज़ दिया है, तो यहाँ से हम पता कर लेंगे भैया यह क्या है हमारा, घनाभ है घन नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ हाइट भी दिया है आपको, कितना 11 दिया है, 11 मीटर। अब आपको केवल और केवल क्या पता करना है, चारों दीवारों का एरिया दिया है आपको, पूरा घनाभ का नहीं दिया है, घनाभ का कर दिया होता पूरा एरिया तो हम क्या फार्मूला लगाते, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल का गुणा 2 कर देते, पूरे घनाभ का एरिया आ जाता, लेकिन हमको पूरे घनाभ का एरिया नहीं पता करना है, हमें सिर्फ दिया हुआ है क्या, दो आमने सामने की और अगल आजू बाजू की जो दीवार है, आजू बाजू की और आमने सामने की उसका एरिया दिया है, तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2, क्योंकि 2 दीवार आजू बाजू की हैं, 2 दीवार आमने सामने की हैं, तो इस वजह से 2 लिख दिया हमने, L प्लस B इंटू H। क्यों H क्यों हमने लिखा, क्योंकि H जो हमने लिखा है दोस्तों, एक में लंबाई है और हाइट है, और इधर अगल वाले में मतलब आमने सामने वाले में हो सकता है चौड़ाई हो, जिस प्रकार आप ले लें, अगर आमने सामने वाले को चौड़ाई मानते हैं तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई,
आजू बाजू वालों के अगर मानते हैं लंबाई, तो लंबाई गुणे ऊंचाई दो है, इस वजह से दो हमने लगा दिया। ठीक है, यही हमको एरिया दिया है 660 मीटर स्क्वायर। अब इसे काट लीजिए। एक चीज और, यहाँ पे h की वैल्यू दिया है और जो l है, l बराबर 2b दिया हुआ है हमें, l बराबर 2b दिया हुआ है, ये तो दिया है। लंबाई उसकी चौड़ाई की, लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, यह चीज दिया है। यानी कि b बराबर, मतलब l बराबर 2b हो जाएगा यहाँ पे। तो लिख लीजिए 2 इंटू 2b प्लस बी इंटू 11, यह इसकी वैल्यू 11 दिया है, तो 660, 11 छक्का 660 आया, 2 से फिर कैंसिल करेंगे तो 30 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3b इक्वल टू 30, यानी कि b इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। जब b इक्वल टू 10 है तो l इक्वल टू कितना होगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब आपसे यही पूछा तो है, उसके छत की ऊंचाई बताइए, छत की एरिया बताइए। तो छत में क्या है, अगर छत में दीवार हटा दें, जो पिलर वगैरह है सब हटा दें, तो छत धड़ाम से गिरेगा, वही फर्श बन जाएगा। उसमें हाइट थोड़ी है, हाइट है वह ऊंचाई पर है, लेकिन ऊंचाई से हमको कुछ लेना देना ही नहीं है, हमको सिर्फ छत की एरिया पूछ रहा है, छत का एरिया बताइए आप। तो छत को पूरा पिलर वगैरह गिरा दीजिए, धड़ाम से नीचे गिरेगा, फिर उसमें आप देखेंगे ऊंचाई है ही नहीं, सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे आया है, आप देख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 200 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर स्क्वायर राइट आंसर होगा। इस तरह से आप लगा देंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं दोस्तों। देखिए बेहतरीन प्रश्न था, आपने अगर लगाया है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं लगाया है, क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं आपके पिछले पेपर में, तो लगाना ही बनता है आपको। ऐसे प्रश्न हम लेंगे, अभी बहुत सारे लेंगे, अगर हुआ 3D पढ़ाने के बाद एक पूरा का पूरा हम सेशन ही चला लेंगे उस पर, 2-3 घंटे का, जिसमें आपका लगभग 20 से 25 प्रश्न हम करा देंगे, मतलब एक सेट में 30 जितना आते हैं एक सेट हम पूरा कराएंगे। बाकी एग्जाम से पहले पहले हम इसी तरह प्रश्न लेकर सब कुछ करा रहे हैं। जो पिछला हमने क्लास लिया था उसमें भी बहुत सारे प्रश्न हमने लिए, वो सारे आपके प्रीवियस ईयर ही थे, है ना। अब जो बच्चा लास्ट तक बना है, अभी तक बना है, उसके लिए बेहतरीन मौका है कुछ सीखने का। देखिए दोस्तों, हम आयत का कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। यहाँ से प्रश्न आए थे तो इस वजह से हमने नहीं लिया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया गया था, अब बताया जा रहा है। इस तरह का कोई आयत है दोस्तों, L और B, इसका चौड़ाई है B और लंबाई है L, इस तरह से। अगर आपसे बोल दिया जाए कि इस आयत के, मतलब आपका घर आयत नुमा है, उस घर के चारों तरफ, उस घर के चारों तरफ, ध्यान से सुनिए, उस घर के चारों तरफ अगर हम लोग एक रास्ता बना दें बराबर बराबर लंबाई चौड़ाई का, मतलब A लंबाई और चौड़ाई का अगर हम लोग क्या कर दें, उस घर के चारों तरफ रास्ता बना दें, तो उस रास्ते का एरिया क्या होगा, उस रास्ते का एरिया क्या होगा। यह जो दिया है आपको, कितना दिया, ए इधर भी और इधर भी ए, मतलब जो हम कलर कर रहे हैं दोस्तों, वह लंबाई और चौड़ाई दोनों तरीके से कर लीजिए, कितना दिया है, ए दिया है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। अगर बढ़ेगा, घर आपका है, घर है, घर के बाहर अगर हमको एरिया बनाना है, और आपका आयताकार घर है, तो आयताकार के अगर बाहर आपका मार्ग निकालना है, उस मार्ग का एरिया निकालना है, उस मार्ग में एक कंडीशन है कि उस वह मार्ग लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, ए हो, तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आप लगा देंगे इस पाथ का एरिया निकालने के लिए, एल प्लस बी। अगर यहाँ पे 10 और 5 दिया होता तो 10 प्लस 5, अगर उस इसका माप हमको दिया होता 2, तो यहाँ पे लिखते प्लस 2 इंटू ए, ये 2 इंटू ए। अगर यहाँ पे 4 दिया होता तो 2 गुणे 4, अगर 6 दिया होता ये वाला पूरा, ये वाला पूरा डिस्टेंस हर तरफ, तो लिख देते 2 गुणे 6, ठीक है दोस्तों, गुणे 2 ए। यह फार्मूला है हमारा किसके एरिया का दोस्तों, इस पाथ के एरिया का, जब लंबाई और चौड़ाई दिया हो, और पाथ जो है आपका जो बना है रास्ता नुमा, उसकी लंबाई और चौड़ाई, मतलब इस चारों तरफ का जो डिस्टेंस है वो ए है, यह चीज़ है, समान है, तब के लिए फार्मूला यह लगेगा। अब देखिएगा दूसरा फार्मूला दोस्तों, अगर आपका आयत नुमा घर बना है, लंबाई और चौड़ाई आपके पास है, या लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, इस बार बाहर रास्ता न बनाकर किसी मैदान में हम अंदर की तरफ रास्ता बना रहे हैं, यह पूरा मैदान है आपका, बाहर एल और बी दिया हुआ है, अब इस पर बाहर की वैल्यू दी हुई है एल और बी, आपसे बोला अंदर का जो यह है ना आपका पार्क है, यह पार्क है, तो पार्क के चारों तरफ जो रास्ता है इसका एरिया बताइए, इसका एरिया बताइए।
और इस रास्ते का जो लंबाई है मतलब जो गैपिंग है दोनों में बीचों में वो हर तरफ इक्वल है, कितना है ए मीटर है, ए है, तो बताइए इस रास्ते का एरिया क्या होगा हर तरफ। तो आप इस बार अंदर की तरफ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है जहाँ पे हमने प्लस किया था वहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस एल प्लस बी माइनस टू ए इंटू टू ए, बस यह कर देना है। हमका जो रास्ता मिल गया भैया, रास्ता का एरिया मिल गया, वो हमारा यह सामने आ गया। एक तरीके से और मार्ग मिलता है ना फ्रेंड, देखिए दोस्तों एक तरह से और बनते हैं। अगर यह हमारा आयताकार है, अगर हम बोलें इधर से दादाजी आ रहे हैं और इधर से दादी जी आ रही हैं, मतलब दो रास्ते हमारे पास हैं, ठीक है ना। अब अगर आप कॉन्सेप्ट वाला भी पढ़ना चाहते हैं तो बताइएगा, कॉन्सेप्ट बता देंगे कैसे आता है यह सब, बिल्कुल सिंपल है, अरे बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपका एल दिया है यह पूरा और यह पूरा बी दिया है आपको, और आपका जो यह मार्ग है ए दिया है, यह वाला भी ए दिया है, तो आपसे बोला जा रहा है कि इसकी बस एरिया बताइए, इसकी बस एरिया बताइए, क्या होगा एरिया इसका, बस इस पाथ का एरिया पूछ रहा है आपसे। तो आप सिंपल से इसमें करेंगे एल प्लस बी माइनस ए, एल प्लस बी माइनस ए इंटू ए कर देंगे, बस यह कर देंगे, यह कर देंगे दोस्तों, निकल जाएगा। देखिए टू ए कब करना है, जब इस तरह के पाथ बनेंगे, समझ रहे हैं, जब बाहर की तरफ बना तो प्लस किया हमने, यहाँ पे टू ए प्लस इंटू टू ए, जब अंदर की तरफ मार्ग हमको देना है तो माइनस टू ए, भैया अंदर की तरफ दे रहे तो घट रहा है ना हमारा क्षेत्र, इस वजह से माइनस हमने कर दिया। और यहाँ पे इस तरह का है तो जाहिर सी बात है जब इसको निकालेंगे पूरा एरिया तो आपको यही तो माइनस करना होता है दोस्तों, ये देख रहे हैं ये वाला यह चीज, यही माइनस करना होता है, क्योंकि यह दो बार कॉमन है ना, एक बार इधर से भी आप काउंट कर रहे हैं, इधर से भी काउंट कर रहे हैं, तो एक बार यही माइनस कर दिए हम, बस मामला फिट पूरा का पूरा। अगर यह हमको यह हटाना था, यह हटाना था, हमको सिर्फ इतना चाहिए था और इतना चाहिए था, यही तो, क्योंकि यह पूरा है ना, देख रहे हैं यह पूरा हमारा एल है और यह पूरा हमारा बी है, तो एल और बी तो हमने ले लिया, पूरा एल ले लिया पूरा बी ले लिया, लेकिन यह चीज़ हमारा दो बार काउंट हो रहा है, दो बार, इस वजह से हम एक बार इसे माइनस करते हैं, एक बार इसे माइनस करते हैं और ए से गुणा कर देते हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि यह वाला डिस्टेंस हमारा ए ही है, इसका लंबाई ये चौड़ाई और इसी तरह इसका लंबाई ये चौड़ाई, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट है, बोल बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आप इतना याद रखेंगे इसका एरिया यह हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए और डेली क्लास फॉलो करिए भाई, ठीक है ना। एक आध दो दिन हो सकता है हिंदी की क्लास नहीं होती है, जैसे कल नहीं हुआ था, है ना, तो आप लोग थोड़ा सा पिछला क्लास अपना रिविज़न किया करिए, और बाकी मैम का भी क्लास चल रहा है, आप लोग देख नहीं रहे हैं भाई साहब, है ना, देखिए। और यह सेशन आपको सी टेट, यू पी टेट, एम पी टेट, जितने भी टेट होते हैं सब जगह काम आने वाले हैं, और सुपर टेट में भी काम आएंगे दोस्तों, है ना, सुपर टेट में जो मैथ पूछा जाता है आपका और जो आपका हिंदी पूछा जाता है वो सब इसी जगह से आएंगे, इसी प्लेटफॉर्म से आएंगे, और सारी जानकारी भी आपको दी जाती है, सारा सेशन करिए बेहतरीन तरीके से, और बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसको सॉल्व किया जाएगा आपका, अन्यथा पढ़ते रहिए, धन्यवाद।